अच्छी नींद में सहायक योग के कुछ सरल अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में स्वागत है। देखिए, अच्छी नींद तो हमारे लिए आज अधिकतर लोगों के लिए सपना बनी हुई है, क्योंकि अच्छी नींद आ ही नहीं पाती। हमारे लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, हम सोच ही नहीं पाते कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। देखिए, लेकिन हाँ, योग अगर आप करते हैं, यौगिक जीवन पद्धति अपनाते हैं, तो अच्छी नींद 100% आपको मिलेगी। देखिए, शाम के समय एक तो भोजन जल्दी करें, और दूसरा लैपटॉप मोबाइल से सोने के 1.5-2 घंटे पहले आप दूरी बना लें। उस समय आप सोने के 1 घंटे पहले जो कुछ मैं अभ्यास बता रही हूँ, इन अभ्यासों को करें। इन अभ्यासों को करने से आपको नींद 100% अच्छी आएगी। तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कि जो अभ्यास बताने जा रही हूँ, मैं कुछ और भी योग के ही अभ्यास बताऊंगी कि जिससे आपको नींद अच्छी आए। सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगी शशांकासन। शशांकासन के लिए वज्रासन में बैठना पड़ेगा। वज्रासन में बैठ करके सांस भरते हुए पूरी सांस भरे, हाथ ऊपर खींचे, ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाए। अब यहां लंबी गहरी श्वास ले छोड़े। आप महसूस करेंगे कि आप अपने शरीर की सारी थकान धरती में डाल रहे हैं, और शरीर धीरे धीरे आपको हल्का फील कराएगा। मन मस्तिष्क शांत होता जाएगा, और 1 से 2 मिनट के बाद सांस भरते हुए सीधे हाथ को ऊपर लाए और ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। एक अभ्यास मैंने ये बताया। दूसरा अभ्यास देखिए, इसमें 3 तरह के अभ्यास होते हैं। या तो जिन लोगों के कमर में और गर्दन में दर्द है तो वो विपरीत करनी करें, वरना सर्वांगासन बहुत अच्छा है और शीर्षासन भी बहुत अच्छा है। पर शीर्षासन सब लोग नहीं कर सकते, तो मैं आज आपको विपरीत करनी ही करके बता रही हूँ कि जो सबसे सरल है, जो सभी कर सकते हैं। मैं तो सर्वांगासन, मैं शीर्षासन ही करती हूँ इसके लिए, मगर मैं आपको यही अभ्यास बता रही हूँ। ब्रीद आउट करते हुए हाथ पैरों को उठाया, कमर को अपने हाथों से थामा और थोड़ा सा सिर ऐसे पैरों को ऊपर उठा दिया। बस अब देख रहे, ना कमर पे प्रेशर है ना गर्दन पे है, तो ये पोज हर कोई कर सकता है। सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ रहा है। इस पोज में आप 2 से 5 मिनट रुक सकते हैं, जितना देर आप कंफर्टेबल फील करें, थकान नहीं लानी है। और बस उसके बाद अगर आप 2 मिनट या 1 मिनट रुकते हैं तो 2-3 बार कर लें इस अभ्यास को। उसके बाद अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और उधर श्वसन करें। यहीं पर ऐसी लंबी गहरी सांस भरेंगे पेट ऊपर, सांस छोड़ेंगे पेट अंदर, फिर सांस भरी, ब्रीद आउट। इसमें आप 2 मिनट रुकिए, उसके बाद सीधे होके बैठिए। और भ्रामरी प्राणायाम, ये बहुत अच्छा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। इसके अलावा मैं एक अभ्यास और बताऊंगी, त्राटक, जो कि सोने के 1 घंटा पहले करें। इन आसनों से भी पहले कर लें। त्राटक में किसी एक पॉइंट पर आपको फोकस करना है, और हाथ की दूरी बस उस पॉइंट और आंखों की दूरी इतनी होनी चाहिए जो आंख की सीध पर हो। जैसे मैं इस नखून को देखती हूँ, नखून का, अंगूठे के नखून का ऊपरी भाग। अब मैं लगातार इसको देखूंगी कि जब तक कि मेरी आंखें थक के पानी ना आने लग जाए। वैसे देखिए, अभ्यास करना तो आपको 2 मिनट कम से कम पड़ेगा, लेकिन अगर आप 2 मिनट नहीं भी कर पाते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं आप कि इसको 1-1 मिनट करके 2 बार कर लें, और इस अभ्यास के बाद अपने आसन कर लें। और आसन के बाद लास्ट में मैं आपसे बोलूंगी एक भ्रामरी प्राणायाम, जो बहुत इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, इस प्राणायाम को आप लेट के बिस्तर पे भी कर सकते हैं। बैठना बहुत जरूरी नहीं है। आसन के बाद आपने उधर श्वसन किया, वहीं लेटे लेटे कर लीजिए। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, जीभ ऊपर तालू पे लगा लेनी है, और भौरे के समान एक गुंजन स्वर निकालना है। यानी जब नाक से श्वास लेंगे तो श्वास छोड़ते हुए मुंह बंद करके ही माँ बोलेंगे। ये देखिए, mm-hmm.
मैंने क्यों 3 बार किया है, 3 बार में ही माइंड इतना शांत तो रिलैक्स हो गया है कि लगता है सो जाओ। वैसे आपको करना है कम से कम 7 या 9 बार या 11 बार, इतना करेंगे बिस्तर पे लेटे लेटे करने में कोई देर नहीं लगती है, आप करते करते ही सो जाएंगे। तो मेरा अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और आपको किसी और समस्या के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।